एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में है अधिवक्ता रामवीर सिंह चौहान, जिन्होंने कानून की अच्छी जानकारी है और हर समय कानून की किताबें इनके पास में रहती हैं। सर, अभी जो भीम आर्मी का एक बड़ा सैलाब एक उभर कर आया था, तो भीम आर्मी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो आपकी कैटेगरी के एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण थे। जब दलितों पर इस तरीके के अत्याचार हुए, उन्होंने आवाज़ उठाई, उनकी जमानत भी हुई, फिर जमानत होने के बाद उन पर रासुका लगा दी, इसका मुख्य कारण क्या रहा? उन पर रासुका लगाने का मतलब ये है कि देश की सत्ता जो है वो हमारे जो युवा हैं जो संघर्ष को एक नया आयाम दे सकते हैं उनसे डरने की ये व्यवस्था डरी हुई है। हमारा जो युवा एक एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, उस एकजुट सैलाब को देख के देश की सत्ता डरी हुई है और ये जो भगवाधारी लोग हैं ये नहीं चाहते हैं कि उस संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए, ये वहाँ पे उस संघर्ष को रोक देना चाहते हैं। सर, ये जो लेकिन कानून के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो कोटेशन है कि पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की, ये उसी का नमूना हमें देखने को मिला है कि एक कानून एक व्यक्ति को रिलीज कर देता है लेकिन उसको बिना बताए, जब आप उसको 6 महीने पहले से आपने उसको अरेस्ट किया हुआ है उसी टाइम आपने अगर आपको ये NSA लगाना था तो ये उसी टाइम क्यों नहीं इम्पोज किया आपने? ये तो क्लियर कट बायस, एक बायस जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो दिखाई दे रही है साफ साफ, और इसके लिए कोर्ट में जाना, कोर्ट में लोगों को संघर्ष करना चाहिए था। वकील साहब, अभी आपने बताया कि जो भगवादारी हैं और इनके तरह तरह के संगठन चल रहे हैं, चाहे RSS कर लें, बजरंग दल कर लें या और भी कुछ तरह तरह के संगठन चल रहे हैं, एक भीम आर्मी एक संगठन बनने से ही इनको बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं एक ठेस पहुंची है, उसका मुख्य कारण क्या रहा? भीम आर्मी बेसिकली मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो हमारा युवा पीढ़ी है जी, जो नई सोच लेके आ रही है समाज में, उस युवा पीढ़ी को ये जो प्रोग्रेसिव सोच है उससे डाइवर्ट करना चाहते हैं। इनका मकसद है कि हमारा जो युवा कॉलेजों में पढ़ता है, जो नौकरी के लिए कम्पीट कर रहा है, ये जो सिस्टम में कम्पीट कर रहा है, पॉलिटिक्स में कम्पीट कर रहा है, उस युवा को ये लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं, उस माइंड को डाइवर्ट करके उसको वॉयलेंस में उसको उकसा के वॉयलेंस में इन्वॉल्व करके, ताकि उसका ध्यान प्रोग्रेस की तरफ ना जाके सिर्फ कोर्ट कचहरी तक उसका ध्यान चला जाए और वो लोग सिर्फ कोर्ट कचहरी तक सीमित हो जाएं, जो संघर्ष आंदोलन को बंद कर दें, उनका उनके आंदोलन को समाप्त करने का ये इन्होंने कोर्ट को एक हथियार बनाया है। देश को 70-72 साल हो गए आज़ाद हुए और उसमें अभी आपने देखा होगा एक कभी अपने आप को एक पढ़ा लिखा कवि है, डॉक्टरेट लगाता है जिसे प्रोफेसर कहते हैं या क्या कहते हैं, मैं वो अभी बाबा साहब को, बाबा साहब के जो महाप्रणवान दिवस था उससे 3-4 दिन पहले बाबा साहब को इस तरीके की उसने अपशब्द कहे कि एक वो था जो कि जातिवाद फैला गया। मैं वो जो भी कवि मोदे हैं मुझे नहीं पता क्या है उनका, लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ कि उसने जो बताया कि उसकी दादी के साथ लक्ष्मी आई, और मैं आपको बार बार ये बात बताना चाहता हूँ कि जातिवाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के टाइम से तो पैदा नहीं हुआ, ना कोई आंदोलन पैदा हुआ है। जातिवाद तो 3,500 साल का इतिहास है। 3,500 साल के इतिहास में जब वो लोग पहले से सिस्टम चला आ रहे हैं तो उस दिन थोड़ी पैदा हुआ, वो आंदोलन तो उसके खिलाफ था। जब भी आप सत्ता को ललकारेंगे तो जो कमजोर लोग हैं वो आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे जी। जो हम बार बार कह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद छल कपट, ये इनके हथियार हैं, और हमारे मासूम लोग हैं जो भोले भाले लोग हैं वो उसके। और बाबा साहब, अगर हम उस आदमी का प्रचार, उसने एक नेगेटिव बात बोल के बाबा साहब का नाम इस्तेमाल इनडायरेक्ट वे में बाबा साहब को इस्तेमाल करके अपने लिए पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश की है, ऐसी घटिया सोच के लोगों की, जब उनकी कई पीढ़ियाँ आज भी आधुनिक भारत में वो कहता है कि ब्राह्मण बाहुल्य गांव है हमारा, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा आदमी जो एक पार्टी का फाउंडर मेंबर है, हमने तो मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से उसी समय अपनी पार्टी की तरफ से डिमांड की कि अरविंद केजरीवाल को इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, इस आदमी को, ये सिरफिरा आदमी जो देश की 85% नहीं पूरे संसार, इस भारत की नहीं पूरे संसार का अपमान कर रहा है, जिस जो पूरा संसार बाबा साहब को विश्व रत्न की उपाधि देता है, पढ़ा लिखे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी की उपाधि देने वाला पूरा संसार, और वो अपमान सिर्फ हमारा नहीं कर रहा, पूरे संसार की सोच का अपमान कर रहा है वो। तो बच्चे का माना जाए कि एक पढ़ा लिखा होना, एक बुजुर्ग कहते हैं कि गुना हुआ आदमी, पढ़ा लिखा और गुने हुए आदमी में मतलब क्या, एक एजुकेशन किताबी ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी सोशल हो। किताबी किस चीज़ का ज्ञान है? एक सड़क छाप कविता लिखने से वो ज्ञान हो गया क्या उसको?
सड़क छाप कविताएं लिख के पढ़ के लोगों में सुना के तालियां पिटवा देनी, ये ज्ञान, इसको ज्ञान की बात करते हैं क्या? उसने कहा अगर वो कहता तो वो भारत के सभी लोगों के लिए रिक्वेस्ट करता कि जो आज उसमें हिम्मत थी तो कहता कि नरेंद्र मोदी भगवान ब्रिगेड को चला रहे हैं या योगी भगवान ब्रिगेड को चला रहे हैं, और वहाँ पे उसकी हिम्मत ही नहीं है, यूपी में जाके बोलता उस चीज़ को। अगर उसको लगता है कि सामाजिक ताना बाना टूट रहा है तो सामाजिक ताना बाना किसने तोड़ा? जो लोग सरेआम कहते हैं कि आरक्षण का हम विरोध करते हैं मंदिर में, मैं उनसे कहता हूँ जिनकी वो संतान है उनको कहता हूँ कि आप रिजर्वेशन के विरोधी हैं, लेकिन आपने हजारों सालों से मंदिरों में रिजर्वेशन कर रखा है, जो मंदिरों में चंदा आता है उसका रिजर्वेशन आप लोगों ने कर रखा है, उस चंदे को आप उस चंदे पे भी रिजर्वेशन कर दो, पुजारियों का रिजर्वेशन कर दो। कि भाई एक बात आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जो मंदिरों में चंदा देने वाले लोग हैं कौन है वो लोग? जिन लोगों का बहिष्कार किया हुआ है, जिनको मंदिरों में पुजारी नहीं बनने दिया था, चंदा देने वाले वही लोग हैं। लेकिन सर अभी 80% लोग चंदा वही लोग दे रहे हैं जो गरीब लोग हैं या जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि भाई तुम्हारा भला कैसे होगा, वो सोचते हैं मंदिर में जहां हम बैठे हैं भगवान हमारा भला करेंगे, चंदा तो पैसा तो उनका है और राज ये लोग कर रहे हैं। तो देखिए केरल के अंदर अभी इन्हें जो आप भगवाधारी कह रहे हैं या बीजेपी के लोग कह रहे हैं या जो संगठन है उनको, कुछ दलितों को मंदिर का पुजारी बना दिया गया, रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनाने से क्या व्यवस्था बदल गई? मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर एक सिंबॉलिक आदमी को बना देंगे आप तो क्या सिंबॉलिक आदमी से रामनाथ कोविंद से सारी व्यवस्था बदल गई है क्या? रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया लेकिन उसी को आ रहे, मैं आपको मुझे जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है मैं बता देता हूँ आपको, आरएसएस के लोगों ने कहा कि तुम राष्ट्रपति जरूर बन गए हो लेकिन तुम वही हो, हमारी नज़रों में तो वही हो तुम, ये बात आरएसएस के लोगों ने जिस दिन उन्होंने ओथ लिया उसी दिन कही है, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। लेकिन सर सबूत तो नहीं, सबूत हमारे पास इन्फॉर्मेशन है इस बात की, सबूत है, सबूत हम सबूत की जब बात आएगी सबूत कभी दिखाएंगे, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ ये आज हमें इस्तेमाल करें, आज हमें इस्तेमाल करेंगे, एक रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बना दिया तो क्या पूरे देश के दलितों का उद्धार हो गया क्या, या जो पिछड़े लोग हैं उनका उद्धार हो गया? उससे एक आदमी को दिखाने के लिए बना दे, एक आदमी को मंत्री बनाते हैं, एक आदमी को रामविलास पासवान को मंत्री बना दिया दलितों का मंत्री, अरे हमारे नाम के पीछे दलित क्यों लगाते हो तुम? सही मायने में तो दलित तुम्हें, तुम्हारी संख्या कम है, तुम्हें दलित होना चाहिए, हम तो बहुसंख्यक लोग हैं। जी जी जी, अच्छा हम तो बहुसंख्यक लोग हैं, हम दलित कैसे हुए? मेजर तो हम हैं, हम मेजोरिटी में तो हम लोग हैं, 85% लोग मेजोरिटी में, तो दलित तो आप हो, माइनॉरिटी तो आप लोग हो। तो सर ये आप कुमार विश्वास के लिए आपकी पार्टी क्या करने जा रही है? कुमार विश्वास के खिलाफ हमने उसी दिन अपने सोशल मीडिया पर किया और हम इसमें कंप्लेंट लॉज करने जा रहे हैं, हालांकि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है 2 FIR हो गई हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ और भी लगती है, हम इसलिए नहीं उस चीज़ को ले गए कि उस मूर्ख आदमी को हम उसके प्रचार का बढ़ावा दे रहे हैं, जितना हम उसके खिलाफ कंप्लेंटबाजी करेंगे मीडिया में रोज आएगा, आज इसके खिलाफ FIR होगी, उसका नाम तो चला दिया आपने जी, आपने नेगेटिविटी करते हुए भी उसको प्रचार दे दिया आपने, और बाबा साहब के नाम का फायदा उठा के उस आदमी को प्रचार मिल गया पूरे देश में, उस आदमी ने नेगेटिव अप्रोच लेके बाबा साहब के नाम का सहारा लेके ऐसी रणनीति बनाई और हमारे सारे लोग उस रणनीति में फंस गए, उसके नाम के खिलाफ चलते गए, हर अखबार में कुमार विश्वास चल रहा है, क्यों? जब वो रणनीति अपना सकते हैं, आज की मैं थोड़ी सी डिटेल देता हूं ये बायस मीडिया के बारे में थोड़ी सी, अगर भाजपा का कोई प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता तो वो पहले पेज पर बड़ी खबर होती है, एक छोटी सी चीज़, हालांकि मैं पॉलिटिकली कुछ और सोच रखता हूँ, आज नवभारत टाइम्स के नीचे के पेज के बिल्कुल बॉटम हिस्से में दिया हुआ है कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया जी। तो भारत की जो व्यवस्था है, जो मीडिया की जो सोच है, आज मीडिया चुनी हुई सरकारों से जवाब नहीं मांग रहा है, जो 3.5-4 साल से सरकार चल रही है देश में उसकी जवाबदेही मीडिया तय नहीं कर रहा है, मीडिया उस सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा कि तुमने सरकार देश के लोगों के लिए क्या कार्यक्रम किया जी। जिसको हम फोर्थ पिलर कहते हैं डेमोक्रेसी का, मैं तो कहता हूं कि वो इस देश एक जो भारत का मीडिया है ये एक षड्यंत्र है भारत की डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए, एक साजिश है जिस तरीके से वो लोग चल रहे हैं। आपने एक छोटी सी न्यूज बनाई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, अगर आपका कोई जिले में अध्यक्ष भी चुना जाता तो उसका पहले पेज पे न्यूज आ जाती है। ये मैं बता रहा हूं कि देश की राष्ट्रीय पार्टी जिस पे सत्ता नहीं है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुने जाने की खबर ऐसे दिखाई जाती है। तो जो लोग इस व्यवस्था में 3.5 साल से पिछड़े हुए हैं उनके साथ मीडिया क्या सलूक कर रहा होगा ये आप देखें।
आज देश की राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की खबर नीचे पांच लाइन की छपी हुई है। तो हम लोग तो हजारों साल से पिछड़े हुए हैं। जो पार्टी 3-3.5 साल पहले सत्ता से बेदखल हुई है उसकी ये हालत है, तो हमारी हालत क्या होगी, ये सब लोग सोचें और विचार करें इस पर। धन्यवाद सर। थैंक यू।